कैसे इंसान जीता है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म हर किसी को देखना चाहिए, उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हमें कैसे अपने जज्बातों पे काबू पाना होता है। आम दर्शक की पिक्चर है, इसे ज़रूर देखना है। मुझे लगता है अभी तक सब बोल ही चुके हैं फिल्म के बारे में कि इसे सबको देखना चाहिए और ये अंदर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। ये सब शायद कुछ लोगों को थोड़ी फिलोसॉफिकल भी लग सकती है, बट हम लोग गए झारखंड के एक छोटे से गांव में जिसका नाम अभी के समय पता नहीं, जैसे होता है उनके जिलों का नाम वैसा है, पर क्योंकि किसी ज़माने में अंग्रेज़ आए हुए थे तो उसका नाम नेकलेस की गंज रखा गया था। तो हम और हम शेक्सपियर के एक नाटक का सटायर बना के ये प्ले कर रहे थे, तो काफ़ी कमाल तरीके से नाटक लिखा गया है। और जैसा कि इश्तियाका ने कहा कि नाटक और ओमकारा के बीच का हमने कुछ किया है विच सेज दैट इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। सो आप देखिए, बहुत पसंद आई। देखिए, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इस दौर में ये हो रही है कि हमारे टाइम में जो कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा को दो अलग भागों में विभाजित करके रखा हुआ था, वो अब सब एक हो गया है। अब कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है और आम आदमी भी उसका हीरो है। जैसे अभी इश्तियाक भी हीरो है, उस समय में सिर्फ हम शाहरुख को हीरो मानते थे, आज हम सब हीरो हो सकते हैं। तो ये फिल्म जो है इसमें हर एक हीरो है। बहुत प्राउड फील होता है हमें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारे लिए भी अब धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं और हम कुछ और नया सोच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डिजिटल माध्यम में देखने को कंटेंट है। तो ऐसे कंटेंट जब आएंगे तो हम लोगों की दिशा बदलेगी, हम लोगों की सोच बदलेगी, हम अपनी क्रिएटिविटी को जो इतने सालों से दबाए बैठे हैं वो हम उसको उजागर कर पाने की ताकत बटोर पाएंगे। 29 तारीख को सब ज़रूर देखेंगे फिल्म। इश्तियाक भाई के लिए और पूरी टीम के लिए ऐसी शुभकामनाएं निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये काम मैंने ही किया, क्योंकि हम सब जिस स्कूल से ट्रेनिंग लेके आए हैं और जिस बैकग्राउंड से हम सब जो जर्नी करके आए हैं, तो हम में से कोई भी एक जो कदम बढ़ाता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा खुद का कदम है, तो बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं इश्तियाक को, उनकी पूरी टीम को, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में और भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के सिनेमा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दें। थैंक यू। और अपने छोटे भाई ईश्वजीत को, विश्वनाथ को, इन लोगों ने मिलकर जो फिल्म बनाई है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए। और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, जितनी मेहनत करते हैं लोग, तो मेरा यही है कि खूब सारी ऐसी फिल्में बननी चाहिए। सर, मैं इश्तियाक के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मुझे
प्राउड ऑफ इश्तियाक कि उसने इतना अच्छा कदम किया है और मेरी बहुत हैप्पी और अब मुझे मैं मुझे चाहिए कि और बहुत सारी फिल्में बनाओ और बड़े बड़े काम करो ऑल द बेस्ट पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई जब हिस्सा थे हम लोग पहले से मैंने अभी पोडियम पे ये बोला कि साथ में हम लोग ने शुरू किया था एक छोटे से मोमेंट से शुरू किया था आज इस जगह पहुंचे बड़ा बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है इश्तियाक भाई एज हम लोगों को ये सीनियर हैं हमारे एनएसटी के भी बड़े भाई जैसे और हमको इन लोगों ने इश्तियाक भाई ने हम सबको लीड किया इसलिए हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग सब साथ में आए खास करके विकास जी का कंपनी टमाटो ग्रुप का पूरे सब लोग ने तहे दिल से शुरू किया 29 तारीख को आप लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा चैलेंजिंग थी जब हम लोग गए थे झारखंड में शूट करने के लिए क्योंकि उस एरिया को नक्सल लोगों ने उड़ा दिया था उस गांव को तो वो चैलेंजिंग कंडीशन में शूट किया और सबसे बेहतरीन बात है इस फिल्म में कि इसके जो एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं मतलब सब लोग एक भाईचारा के साथ एक परिवार के जैसा हमने शूट किया तभी महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं कैमरा कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं या कुछ हो रहा है करके तो बहुत बहुत मुबारकबाद सबको कि 29 तारीख को सारे लोग ये फिल्म को देखें और बेहतरीन तरीके से इसका प्रचार करें थैंक यू हमने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से इस फिल्म को बनाया है काफ़ी समय लगा हम लोग को फिल्म को बनाने में क्यों क्योंकि इससे पहले हमने इस फिल्म को एज अ प्ले परफॉर्म किया था तो हमारा हमने बहुत लगाव लगाया हमने बहुत दिल जोड़ा है इस फिल्म के साथ और उम्मीद बस यही है कि ट्रेलर का रिस्पॉन्स हमारा अच्छा आ रहा है मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा है और अपनी फिल्म को वैसे भी कोई बुरा बोलता नहीं लेकिन बहुत ही सच के स्पेक्ट्रम पे मुझे बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ट्रेलर देखिए फिल्म इससे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है 29 तारीख को ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी आप देखेंगे हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जो बिल्कुल मतलब ज़मीन से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं हमारे आगे पीछे कोई नहीं था फिल्म मेकिंग में परिवार में हम सब अपनी मेहनत से बने लोग हैं हमें आप ही सबका सपोर्ट चाहिए थैंक यू थैंक्स अ लॉट बाकी ये ट्रेलर अच्छा था नहीं था मैं आप प्लीज़ कुछ माना चाहूँगा मेरे कुछ दोस्त आए थे ये सचांग सच सच बताओ लोगों को कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बोलो सच बोलना भाई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ट्रेलर देख के और काफ़ी रिलेटेबल था लाइक आप बोलेंगे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक ये ऊँचे नीचे फर्क नहीं पड़ता लेकिन हर आदमी के अंदर जो उनकी कहानी है क्योंकि मुझे लगा हर किसी को देखनी चाहिए थिएटर पे जाके थैंक यू हाँ देखिए बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इश्तियाक दादा ने बहुत ही कमाल लिखा भी है इसका जब नाटक बना वो भी हिट था फिल्म बनी है आप लोग ही हैं जो इसे हिट करा सकते हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं एक्टर जो है कमाल कर रहे हैं क्योंकि ये उसमें ये भी दोनों लोग एक्टर हैं तो ज़रूर देखें बहुत ज़्यादा क्योंकि वो ही तो है एक ऐसी कड़ी जो हम सब लोगों को जोड़े हुए हैं तो इत्तेफाक से आज उनकी शूट है मथुरा में है वो लेकिन लगातार जुड़े हुए हैं फ़ोन करते चले जा रहे हैं कि क्या हुआ कौन कौन आया कौन नहीं आया है तो पोस्ट कर रहे हैं वो दो चीज़ों को वो भी उतने ही जुड़े हुए हैं फिल्म से जितना कि हम बस उनका शूट था तो किसी का काम तोड़वा के तो नहीं ला सकते हैं चलिए आशा है आप लोग फिल्म देखेंगे और अच्छी लगेगी ये भी आशा है धन्यवाद मुझे लगता है कि ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव है किस तरीके की कंटेंट ड्रिवन फिल्म में आनी चाहिए किस तरीके का कंटेंट बहुत सारा ओटीटी पर आता है और बड़े स्क्रीन पर हम लार्जर देन सिनेमा देखते हैं इस तरीके की जो फिल्म है एक्टर्स अच्छे हैं स्क्रिप्ट अच्छी लगी मुझे और फिल्म भी अच्छा लगा मुझे लगता है कि इस तरीके की फिल्म में दर्शक पसंद करेंगे और ओटीटी के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी ऐसे
मजा आएगा देखने में। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू। शानदार दमदार है, बाकी मैं तो फिल्म का रीडर हूँ, तो अपनी फिल्म की क्या तारीफ करूँ, मैं चाहूँगा दर्शक खुद देखें। और इसमें जो यूनिक जो एमलगेशन है इमोशन का, हर ह्यूमन इमोशन का, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो, तो ये फिल्म जो है सही मायने में जो शेक्सपियर का अथेलो है उसको जीवंत किया है और एक छोटे से गाँव में उसको रूपांतरित किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो मेहनत है जो इश्तियाक भाई की, वो आप सभी को देखेंगे 29 तारीख को। मैं आशा करता हूँ आप सभी को सभी आएँ और फिल्म को देखें। द्वंद्व ही है और हर इंसान के अंदर एक द्वंद्व है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है, कोई हंसने के लिए लड़ रहा है, कोई ना रोना पड़े इसलिए लड़ रहा है। तो अब हमारी लड़ाई ये है कि हम कैसे किस तरीके से ये फिल्म जैसी बनाई है वैसी ही आप तक पहुँचाएँ। कैसे पहुँचाएँ वही द्वंद्व चल रहा है कि आप लोग देखें। तो मेरी तो यही इल्तिजा है, या मैं ये कहूँ कि मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी फिल्मों के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमने हमारी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है, विकास वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी टीम के ऊपर विश्वास किया। और जंपिंग टमाटो जो है वो जो रिलीज़ कर रहे हैं रोहनदीप सिंह, बड़े इतने ज़्यादा उत्साहित है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उत्साह कम ना हो। और वो कम तभी नहीं होगा जब आप लोग फिल्म देखने जाएं। तो प्लीज़ फिल्म देखें। देखिए कठिनाई तो हर चीज़ में आती है, तो मैं आज खुशी का दिन है तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कठिनाई का जिक्र किया जाए। आप प्रोडक्ट बन चुका है, आप आइए और आनंद लीजिए। संजय सर हमारे साथ कई काम कर चुके हैं, हम लोग को एक्टर रहे हैं, तो सबसे पहले एक कैरेक्टर जो जहन में आया कि भाई ये गुरुजी का कैरेक्टर किसको दे जो बहुत ज़्यादा सीरियस भी ना लगे और बहुत ज़्यादा कॉमिक भी ना हो, तो उसका बैलेंस कुछ हो। तो एक ही चेहरा जहन में आया, वो है संजय मिश्रा जी। और उनको जब कहानी सुनाई तो उन्होंने कुछ ना तो पैसे के बारे में बात की, ना कुछ ये बोला कि तुम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। उन्होंने कहा कंटेंट इतना अच्छा है, मैं कर रहा हूँ तुम्हारी फिल्म।
मैं यही कहूँगा कि हंसना है और अपने आप को अगर समझना है तो फिल्म देखने आइए, ज़रूर आइए, मेरी यही इल्तिजा है।